स्वागत है आज का मुख्य समाचार खास कर शिक्षा जगत से बिहार से पटना से अपने ही आसपास से। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश। एसएससी एमटीएस परीक्षा से 3 पाली में होगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना भी होगा। जांच के घेरे में जिले के 48 शिक्षक, मांगा प्रमाण पत्र, पटना से है। रेलवे में 3445 बंपर भर्तियाँ। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करें। हैंडीमैन में 208 पदों भर्ती के लिए इंटरव्यू। आयुर्वेद से फार्मेसी करने में रुचि नहीं ले रहे हैं झारखंड के युवा। टैलेंट सर्च टेस्ट में 1900 विद्यार्थी चयनित। स्कॉलरों ने परीक्षा केंद्र पर किए थे फर्जी हस्ताक्षर। स्कूल में पोषण वार्ड के कार्य भी मनरेगा से होंगे। शीर्ष नौकरशाही में 1/4 तक पहुंची महिलाओं की हिस्सेदारी। एंड्रॉयड ऑटो का गूगल मैप बदला। नंबर सेव किए बिना भेज सकेंगे मैसेज। विजन प्रो हेडसेट का वेरिएंट आएगा। शिक्षक भर्ती को एक्सपो चलाया अभियान। ट्रिपल आईटी में उद्योग संचालन केंद्र की स्थापना को बनी सहमति। जेएसएससी ने जिला प्रशासन से मांगी सुरक्षा। अब विद्यार्थियों को स्नातक कोर्सों के साथ अनिवार्य रूप से दी जाएगी पर्यावरण की शिक्षा। किट पालक पद के लिए परीक्षा में सवाल रहे कठिन। ऑनलाइन अटेंडेंस के समाधान करेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। अपने स्कूल की कॉपी जांच रहे कई शिक्षक। शिक्षा विभाग के निर्देश को धत्ता। उच्च विद्यालय के बदले मध्य विद्यालय में चल रहा मूल्यांकन। जॉब सबमिशन स्कॉलरशिप। तनाव, अनिद्रा और मोटापा कम उम्र में हृदय रोग का बड़ा कारण। 8वीं तक के अंक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड होंगे। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी प्रोफेसर आरसी। टैलेंट सर्च टेस्ट में 1900 विद्यार्थी चयनित। दुर्गा पूजा में अवकाश कटौती पर शिक्षकों में आक्रोश। ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों के वेतन भुगतान की उल्टी गिनती शुरू। सर्वर और नेटवर्क समस्या को लेकर शिक्षक चिंता में। प्रारंभिक शिक्षण समस्या को लेकर संघ ने की बैठक। 90 और स्कूलों में बनेगी आईसीटी लैब। सितंबर 5 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का विकल्प। अब अपने भवन में संचालित होंगे जिले के 4 विद्यालय। 9 वर्ष बाद भूमिदाता की इच्छानुसार होगा विद्यालय का नामकरण। बिहार रिटायरमेंट की उम्र में नौकरी के लिए परीक्षा। 800 मीटर दौड़ भारी। आरा से है। HRA की राशि भुगतान करने के लिए उठाई आवाज। सिवान से सितंबर 5 पोर्टल पर घोषणा कर छात्रों की संख्या बताएंगे HM। तो स्कूलों में सिद्ध दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे शिक्षक। स्कॉट गाइड को अनिवार्य करने का निर्देश। एक देश एक चुनाव के लिए 3 विधेयकों पर विचार। शीर्ष नौकरशाही में 1/4 तक पहुंची महिलाओं की हिस्सेदारी। ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी बनाने पर मिलेगा वेतन। गया से है। ये थे कुछ मुख्य समाचार। जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को जो दबाएं। धन्यवाद।